शहर में डेयरी बिजनेस का कारोबार खूब फल फूल रहा है, लेकिन शहर में एक ऐसा फार्म है जिसने डेयरी फार्मिंग का स्वरूप ही बदल दिया। यह है जाखन में सेना फार्म की भूमि पर संचालित हो रहा आरोग्य फार्म। इसके संचालक है आकाश रस्तोगी। देखिए, करीब 4 साल पहले इसकी शुरुआत हुई देसी गाय के दूध को लेकर। देहरादून में हमें देसी गाय का दूध चाहकर भी नहीं मिला, तो उसकी वजह से मैंने अपने घर के लिए पहले एक बछड़ी और एक मैं गाय लेके आया जो प्रेग्नेंट थी। तो उस तरह से धीरे से शुरुआत करी, फिर उसके बाद इनके साथ रहने में आनंद आया। फिर मुझे लगा कि देहरादून शहर को भी एक देसी गायों का, जो असली हमारी गाय हैं जिनको हमारे उसमें माँ कहा गया है और जिसके दूध की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, तो वो और लोगों को भी मिले, तो उसी एक उसके साथ हमने प्रयास करा कि गायों को हम साथ लेकर आए। जो गाय दूध नहीं देती हैं या बछड़े, उनका आप क्या करते हैं? देखिए, अभी तो हम कुछ काम कर रहे हैं गोबर से लकड़ी बनाने के ऊपर, क्योंकि गाय जितना भी खाती है उतना, उससे ज़्यादा का वो बिना दूध दिए भी आपको दे सकती है। प्लस फिर गौमूत्र की दिशा में हमारा थोड़ा सा काम हो रहा है कि हम किस तरह से गोबर को, किस तरह से आज की तारीख में जो इवन कैंसर जैसी बीमारियों के लिए साबित हो चुका है कि गौमूत्र एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। यहाँ केवल देसी नस्ल की गायें हैं, गिर साहिवाल जैसी नस्ल की गायों को यहाँ पाला जा रहा है। 500 बीघे में फैले इस फार्म में गायों को बांध के नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें फार्म में चरने की खुली छूट दी जाती है। श्री माधव गौ सेवा संस्थान, उसके अंतर्गत हम गाँव के अंदर छोटे किसानों को लेकर, जिनके पास कम जमीनें हैं और जिनको बड़ा मुश्किल हो रहा है कृषि करना, तो उनको हम एक स्वयं सहायता समूह बनाएंगे हर एक गाँव के अंदर, जिनको हम अपनी गाय देंगे जो दूध देने वाली होंगी, और उनको कहेंगे आप इनको कैटर करो, और उसमें उनको जो भी आवश्यकता होगी चिकित्सा और सारी की सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, प्लस उनसे दूध हम खरीदेंगे। और इस तरह का एक मैकेनिज्म हमने बनाना है कि गांव के अंदर उनकी जो आमदनी है वो कम से कम हर परिवार की 15,000 रुपये महीना उसके गांव के अंदर वो आमदनी हो जाए, प्लस वो खेती जो है जिसको आज की तारीख में उसको हर चीज़ बाजार से लेनी पड़ रही है, उसकी बाजार पर उपलब्धता खत्म हो जाए, उसको खाद भी देसी गाय का वो खाद डाले, कीटनाशक के लिए गौमूत्र का, नीम का और कई तरह की चीज़ें हमारी आती हैं जिससे बिना किसी पैसा लगे हुए वो सारी की सारी खेती और वो कर सकता है, और जो वो उपज होगी वो इतनी अच्छी और प्राकृतिक होगी कि जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती बाजार में। आज जो हम जहर आप एक तरह से कह सकते हैं खा रहे हैं, आपकी जो ये खान पान की वजह से ही आपके इतनी सारी बीमारियां आपको हो रही हैं जो पहले कभी हमारे देश में ना सुनी गई ना किसी को थी। उनको पारंपरिक चारा खिलाया जाता है जिससे दूध की गुणवत्ता बेहतरीन मिलती है। यहाँ के दूध की बाजार में 100 रुपये प्रति किलो कीमत है, जबकि घी 3,000 रुपये तक बिकता है।